उधर ही दबा लगा बेल्ट लगाओ आराम से क्लच छोड़ दो ये ब्रेक छोड़ो पहले क्लच नहीं ये राइट स्टार्ट करो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा पहला दिन क्लास का है। मैं आप लोगों को रिकैप थोड़ा सा बता देती हूँ अभी तक क्या क्या हुआ। अभी तक मैंने थियरी क्लास ली थी, थियरी क्लास पास की अल्हम्दुलिल्लाह एक ही अटेम्प्ट में, और मुझे उसमें 1500 कम से कम खर्चा आया था सिर्फ थियरी के लिए। उसके पहले फ़ाइल ओपन करवाया, उसके पहले फ़ाइल ओपन करवाने के लिए मैंने आई टेस्ट करवाया क्योंकि हैवी लाइसेंस है, इसके लिए फ़िज़िकल टेस्ट करवाया। ये सब हम ख़त्म करके अब अल्हम्दुलिल्लाह आ पहुँचे हैं फाइनली जहाँ मैं एक्चुअली ट्रक में चढ़ूँगी, लेकिन चलाने के लिए रोड पे नहीं। अभी फ़िलहाल पहले होगी मेरी 6 क्लासेस पार्किंग की, स्ट्रेट पार्किंग, रिवर्स पार्किंग और आई थिंक पैरेलल पार्किंग। अभी जैसे जैसे पता चलेगा मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगी। और कम से कम मिनिमम 6 क्लास लेनी पड़ती है पार्किंग की ताकि पार्किंग के एग्ज़ाम के लिए हम लोग अप्लाई कर सकें, उसके बाद इंशाल्लाह रोड पर पास करने के बाद। तो हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ का वादा करती हूँ, मैं सच बोलूँगी आप लोगों से पूरे वीडियो के चलते, पूरा जो सफ़र होगा लाइसेंस निकालने तक का इंशाअल्लाह मैंने आप लोगों से सच सच बताना होगा, बताऊँगी, प्रॉमिस मैं सब सच बताऊँगी। जहाँ हारूँगी भी ना, जहाँ फेल भी होंगी, जहाँ डबल अटैम्प्ट भी लगेंगे, जो लोग बताने से शर्माते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी क्योंकि आप लोग मेरे हम सफ़र हैं ना, मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो आपसे कैसे शर्माना है कि नहीं। चलो अंदर हम जा रहे हैं हमारी मंजिल के पहले कदम की तरफ। सो एक्साइटेड, सो अफ्रेड, सो फुल कॉकटेल इमोशन, जस्ट लेट्स गो। ये जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मेरे इंस्ट्रक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जस्ट स्टार्ट कर दीजिएगा मैं आएगा। कौन सी वाली, ये वाली पेडेस्ट्रियन पे बोला गया है हमें चलने के लिए। और मुझे हिदायत ऑलरेडी दे दी गई कि गाड़ी मैंने चालू करनी है। बिस्मिल्लाह, चलो खुदी मारो यानी कि बाहर से आओ। आई थिंक जंपिंग इज अ बैड आइडिया। या वी गोना गो लाइक दैट। या ओके, जल्दी जल्दी आओ। ओके तो हम पहुंच गए हमारे मंजिल की तरफ। सो एक्साइटेड, सो अफ्रेड, बोलेंगे बिस्मिल्लाह, चढ़ेंगे ट्रक के अंदर। यला बिस्मिल्लाह। पता है मुझे ट्रक के मामले में सबसे ज़्यादा बड़ा डर किस चीज़ का है, क्योंकि जब हम नॉर्मली गाड़ी में बैठते तो आजू बाजू नीचे देख लेते, लेकिन यहाँ पे बैठने पर नीचे वहाँ पे कोई खड़ा हो ना वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 मीटर की नहीं कितना कहा गया 1.5 मीटर की हाइट है और ऐसे भी दूर से दिखता है। चलो लेट्स सी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम बैठ तो गए लेकिन मुझे ये नहीं पता कि गाड़ी चालू कैसे करते हैं, इतने आगे क्यों। कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाह। वाह, तो इसे चालू कैसे करते हैं? सिर्फ चाबी घुमाना है, चाबी ये ऐसे? नहीं, की ओके बिस्मिल्लाह। डोर बंद रही हुआ मेरा वाला? हाँ। नहीं हुआ? वाओ ओके। अब मैंने सीट अरेंज कर ली, मिरर अरेंज करना है, क्या क्या अरेंज करना है? इसके मिरर कैसे अरेंज करते हैं? मिरर तो मैन्युअली अरेंज करना पड़ेगा आपको। तो नीचे का मिरर खाली आपका होगा, ऊपर का जो मिरर्स जो है नॉन ड्राइव साइड के लिए। और नीचे का मिरर आपका सही नहीं, पहले सीट अरेंज करो, पहले सीट मैंने ऊपर आते साथ कर लिया। हाँ, अभी नीचे का मिरर चेक करो, बस ये थोड़ा सा ऊपर है, उस तरफ Thank you.
नीचे का मिरर चेक करो। नहीं आ रहे? आ रहा है। सेम इसको। इसको थोड़ा लेफ्ट चाहिए मुझे। 37 जी होना मांगते हैं। इसमें 30% आपको गाड़ी दिखना मांगते हैं, बाकी 70% जो है रोड दिखना मांगते हैं। मिरर में 30% ओके, ठीक है, ये ठीक है। ये वाला? अभी हाँ ठीक है। ठीक है? ठीक है। ये तो सही रहेगा इधर नीचे दिखने के लिए। हाँ। अच्छा यहाँ तो मैं खुद ही देखूँ? वहाँ पे तो आपको खुद ही डायरेक्ट देखना पड़ेगा। ओके। ठीक है। और यहाँ पे मैंने किसी को नीचे अगर कोई खड़ा है तो? उसका भी एक मिरर होता है। हाँ हाँ। लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल गाड़ी है। ओके। बेस मॉडल है। अच्छा मैं आपको बता दूँ, मेरा 10 साल का लाइसेंस है ऑलरेडी, लेकिन जो मेरा लाइसेंस है वो गियर ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है, तो मैंने कभी आज तक क्लच पे पैर भी नहीं रखा है। मैनुअल गाड़ी कभी नहीं चलाया? कभी नहीं। ठीक है, क्लच का जो फंक्शन आपको मालूम है? हाँ, जब ये गियर चेंज करना होता है तो क्लच पकड़ के करना होता है। क्लच पकड़ के करना है, लेकिन जब वो गियर चेंज करना होता है तो मुझे ये नहीं पता, अगर हम गाड़ी चला रहे ऑलरेडी तो क्लच हम ब्रेक पे रेस पे ऐसे पकड़ सकते हैं? नो प्रॉब्लम। जब अप कर रहे गियर, हाँ हाँ, 3 से 4, 4 से 5 अप कर रहे, हाँ, तो रेस छोड़ के क्लच दबा के गियर चेंज करेगा। जब डाउन कर रहे जैसा 3 से 4 से 3, 4 से 3, 3 से 2 ऐसा डाउन हो रहा है, हाँ, तो आपको ब्रेक का ऊपर पैर रख के, हाँ, गियर को डाउन करना होगा और तभी क्लच की जरूरत है। क्लच ब्रेक जरूरत? और क्लच, हाँ, ब्रेक, ब्रेक और क्लच, क्लच। ओके। डाउन करने का समय, हाँ, अप करने का समय रेस पे और क्लच रखना, हाँ, रेस रिलीज, रिलीज और क्लच। ओके। इसमें पूरा आपको मिलेगा 9 गियर। ओके। 9 गियर में अभी क्लच प्रेस हो रहे, अभी प्रेशर कितना है देखो, उसमें देखो नीचे वाला जो 2 गेजेस है, ये दोनों, हाँ, वो दोनों देखो कितना प्रेशर दिखा रहे, 5, 5 थोड़ा 5 से ज्यादा दिखा रहा है। वहाँ पे आपको चाहिए 9 से ऊपर मांगता है। इसका क्लच ब्रेक हॉर्न पार्किंग ब्रेक जो भी है, हाँ, एयर प्रेशर में काम करता है, एयर की प्रेशर में, तो वो प्रेशर आपको चाहिए 9.5 से ऊपर। ऊपर तो ऑलमोस्ट 10 तक हो जाना चाहिए। हाँ, 10 तक। उसका जो रड वाला जगह पे अगर गेज है तो आपका क्लच भी काम नहीं करेगा और आपको वार्निंग भी देगा अगर हैंड पार्किंग ब्रेक निकालेगा तो। तो अभी हम जब ये मैंने ब्रेक फुल लगाया हुआ है, क्लच दबा दो, क्लच दबा के अभी इसमें, हाँ, पूरा मैं बोला 9 गियर है, 1 रिवर्स और 8 आगे जाने के लिए, उसमें हम लोग 1-2 यूज नहीं करेगा, 1 और 2 यूज नहीं करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा। ओके। ठीक है, इसमें 2 गियर बॉक्स है, रिवर्स से लेके 4 तक 1 गियर बॉक्स है। ओके। 5 से लेके 8 तक 2 गियर बॉक्स है, उसको हाई लो बोलते हैं। लो गियर बॉक्स में मिलेगा आपको रिवर्स से लेके 4 तक, अभी वो लो गियर बॉक्स में है। वहाँ पे क्या लाइट है देखो ऊपर, वो वाला जो है लो गियर बॉक्स में, अभी ये 4 गियर तक आप वो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। इसको सीधा सीधा आगे क्लच प्रेस करके, हाँ, सीधा आगे प्रेस करो, सीधा आगे, नहीं गया क्लच पूरा हुआ। अच्छा ऐसे, हाँ, पूरा चाहिए। ओके। सीधा आगे। ओके। यस, ये 3 है। ओके। सीधा पीछे 4। ओके। 1 सेकंड, लेस देन 1 सेकंड आपको होल्ड करना है न्यूट्रल पे, लेस देन 1 सेकंड, क्योंकि अगर आप एकदम फटाफट करेंगे नहीं हो, नहीं कर सकते। ठीक है, करेगा वो गियर में साउंड भी हो सकता है, गियर खराब भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कर दो। न्यूट्रल कैसे करना है? सेम आगे, वो भी 4 गियर में, नहीं अभी 3, न्यूट्रल में था ऑलरेडी, न्यूट्रल में था, 4 नहीं गया था, अभी पीछे ये 4 है। ओके। न्यूट्रल कर दो, फिर आगे थोड़ा सा आगे छोड़ दो, नहीं उतना नहीं, नहीं बस इतना। बस यानी न्यूट्रल यानी बीच में है। हाँ, बीच में। ओके। अभी ये 3-4 में हम लोग अंदर चलाएगा। ओके, सिर्फ आगे और पीछे में। हाँ ठीक है, और हाई गियर बॉक्स में, अगर गाड़ी हाई गियर बॉक्स में है,
हाई गियर यानी हाई गियर मतलब 5 से लेके ऊपर में है। हाँ। तो ये गियर लीवर को थोड़ा सा ऐसा ये दे दो, ये गियर लीवर को थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट में इधर 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 मार दो, थोड़ा मार दो क्लच पकड़ के ना। नहीं क्लच जरूरत नहीं है, हाई लो करने के लिए क्लच जरूरत नहीं है। वन सेकंड। अच्छा वो लीवर को आप थोड़ा सा झटका दे दो ऐसा इस तरफ। नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं, यही तरीका यूज करो। ये देखो ऐसा थोड़ा मार दो हाथ में, इधर हाथ में। ओके 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 वापस ओके अगेन हाई। बस छोड़ो हाथ छोड़ दो। हाँ। अभी सीधा सीधा आगे दबाओ, ये गियर लीवर को क्लच दबा के सीधा आगे, गियर लीवर को क्लच दबा के सीधा आगे। क्लच नहीं हुआ, क्लच नहीं हुआ। ओके ये हम लोग पहले इधर हमको 3 गियर मिला था। हाँ। अभी यहाँ पे चौथा गियर, पांचवा गियर हो गया। 5 cos 3 4 and then 5। हाँ, न्यूट्रल करके थोड़ा इस तरफ हमने राइट किया। करेक्ट। हाथ को रिलीज करके सीधा आगे 5 मिलेगा। करेक्ट। अभी सीधा सीधा 6 मिलेगा। ओ टाइम नहीं देता है, फास्ट लेना है ना। फास्ट नहीं, स्लोली मैं बोला लेस देन 1 सेकंड होल्ड करना है। कहां पे? बीच में। बीच में। ओके न्यूट्रल न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। ओके ओके नाउ आई विल गो फॉर 5 गियर 5 न्यूट्रल एंड देन गियर 6 6 6 आई हुआ नाइस नाइस। ओके यस आई गॉट इट आई गॉट इट। अभी न्यूट्रल पे आ जाओ, अभी न्यूट्रल पे आ जाओ, लो गियर करो। ठीक है, अभी थोड़ा रिवर्स गियर लगाओ। रिवर्स गियर देखो एक हाथ में होगा नहीं। हाँ। एक हाथ ऐसा पकड़ो। हाँ। दूसरी हाथ उसका ऊपर से उधर इधर से नहीं, वो हाथ ऐसा ऐसे ये हाथ ऐसा ऐसे। हाँ, ये हाथ उधर से ऊपर से। हाँ। अभी खींचो पूरा। अभी रिवर्स उधर आई वा, ये रिवर्स गियर है। ये रिवर्स हो गया। हाँ, पता नहीं चलेगा उधर कुछ। हाँ, कुछ नहीं आता है। नहीं आता है, थोड़ा पैर पार्किंग ब्रेक निकाल के देखो। पार्किंग ब्रेक ये थोड़ा सा क्लच छोड़ दो, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, छोड़ दिया, कुछ नहीं हो रहा। क्लच नहीं छोड़ा, क्लच छोड़ा थोड़ा थोड़ा बस छोड़ो। उधर ही दबा के निकालो न्यूट्रल, उधर ही दबाओगे आई वा निकालो आगे बस। ओके आई गॉट इट ओके या अभी हम न्यूट्रल पर हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। या लो बिस्मिल्ला, बेल्ट लगा लो, बेल्ट लगाओ। बिस्मिल्ला तवक्कलना अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ओके जा। ओके 3 गियर, थर्ड गियर लो गियर बॉक्स में सीधा सीधा आगे। ठीक है। हाँ। अगर ये गियर फंस जाता है कभी। हाँ। नहीं लगता है। हाँ। तो इसको हाई लो करने के बाद वो लग जाएगा। बस न्यूट्रल पे हाई लो करना। हाँ, न्यूट्रल पे हाई लो। कभी कभी 3 गियर कितना भी प्रेस करेगा, 4 गियर प्रेस करेगा नहीं लगेगा। ओके। तो उसको हाई फिर लो। ओके। फिर वो लग जाएगा। चलो आराम से क्लच छोड़ दो, ये ब्रेक छोड़ो पहले। क्लच नहीं, ये राइट स्टार्ट करो। प्रेस क्लच, प्रेस क्लच स्टार्ट करो, प्रेस क्लच स्टार्ट। बस ये बंद क्यों हुई? ये आप ब्रेक छोड़ा नहीं, ये देखो। अभी मैं पहले क्या छोड़ो, ब्रेक छोड़ो कि क्लच? पहले ब्रेक। ओके ब्रेक छोड़ा, अभी क्लच को आराम से निकालो। हाँ, आराम से निकालो, बिस्मिल्लाह, आराम से और निकालो। ओह माय गॉड। ओके पूरा निकालो अभी। हाँ। रेस का ऊपर हल्के से पैर रखो, थोड़ा दबो, थोड़ा स्पीड, थोड़ा स्पीड। ओके प्रेस क्लच, ब्रेक नो, ब्रेक नहीं लगाओ। ओके ब्रेस, प्रेस क्लच। हां, फोर्थ गियर, रेस से पैर उठाना है, जाओ आराम से, स्लोली स्लोली क्लच स्लोली। सर इसे ब्रेक मारूं? क्लच से दबाने के बाद ब्रेक लगाने का, क्लच पे दबाने के बाद ब्रेक लगाओ, आराम से लगाओ ब्रेक, आराम से लगाओ। क्लच नहीं दबाया, क्लच नहीं दबाया, अभी दबाया, अभी ब्रेक, अभी ब्रेक। फिर 3 गियर। ओह माय गॉड, मेरे तो पसीने छूट गए। नहीं ये सिंपल है, सिंपल है बस। हम थोड़ा सा
आइडिया हो जाएगा। हाँ। वो गियर सिंपल लगेगा और रिवर्स गियर सिर्फ दोनों हाथ चाहिए। ओके, अभी हम रिवर्स करने वाले हैं? नहीं, अभी अभी आगे जाएगा, हम राउंड करेगा। ओके, कैसे कर रही हूँ मैं ये इसको? ऐसे ही है, तीन गियर। हाँ। आराम से क्लच को निकालो। हाँ। ब्रेक को पहले छोड़ो। ओके। हाँ। अभी आराम से क्लच को निकालो। तो बहुत फास्ट भागती है। बस अभी नहीं भागेगा, उतने ही है। हाँ। अभी थोड़ा रेस दे दो। गियर छोड़ दो, गियर छोड़ दो, स्टीयरिंग मेरे को हाथ सीधा आगे जाके कटिंग करो, ऐसा नहीं करो। ओके, सीधा जाके फिर टच कट करना, क्योंकि वो पीछे का टायर देखो, पीछे उधर अगर है इधर, अभी इधर इधर इस तरफ राइट राइट। अच्छा, मैंने मेरी लाइन में आना है बस। बिस्मिल्लाह, स्पीड करो, स्पीड करो, स्पीड 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 स्पीड, गियर 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 रकम 3 कर, 4 कर, रेस नहीं छोड़ा, रेस नहीं छोड़ा। ओके ओके, आई गॉट इट। ओके, थर्ड गियर पे जब मैं अभी क्लच क्लच थर्ड गियर, क्लच थर्ड गियर, आराम से क्लच छोड़ दो, नहीं गियर आराम से छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, रेस दे दो, पेट्रोल एक्सीलेटर दे दो, ठीक है, रेस छोड़ दो, आराम से क्लच को दबाओ 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 दबाओ, थोड़ा सा निकालो निकालो, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। ओके, थोड़ा सा प्रेस, थोड़ा सा प्रेस प्रेस प्रेस, नहीं जाओ नहीं जाओ, वो नहीं, एक्सीलेटर नहीं, क्लच क्लच क्लच, और प्रेस करो, और प्रेस करो, थोड़ा सा निकालो, एकदम पॉइंट, वही पॉइंट उधर ही है। नहीं रुका, नहीं रुका, पीछे जा रही है, तो ज्यादा हो गया। ओके, ओके। वही जगह पे आपका क्लच का जो फ्रिक्शन पॉइंट पे आपको स्टॉप करना है। ओके, बहुत टाइम नहीं करा, बिस्मिल्लाह, गियर चेंज करो इसका? नहीं, डाउन में नहीं, जब लाइन पे आने के बाद, लाइन मतलब डाउन में अगर क्लच दबाएगा, हाँ। गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगा, पक जाएगा, फिर ब्रेक में मुश्किल। अभी गियर चेंज करो, फोर्थ गियर, अभी हम दोबारा ब्रिज पे जाने वाले हैं। सही, वहाँ पे लाइन भी ऊपर है, गाड़ी देखो अपने ट्रैक के अंदर चाहिए। ओके, ट्रैक के अंदर। तीसरा गियर दे दो, थर्ड गियर, जाने दो, पर चलो पीछे आ गए। ये ऑटोमेटिक वाली है? नहीं, ऑटोमेटिक को हिल टच नहीं रहता है, मैनुअल, ओनली मैनुअल गियर, वो मैनुअल गाड़ी होगा। जाने दो, अभी एक्सीलेटर दे दो। हाँ, एक्सीलेटर, हाँ, एक्सीलेटर, ओके, एक्सीलेटर, मैंने एक्सीलेटर छोड़ना है और धीरे धीरे क्लच छोड़ना, अभी नहीं, अभी थोड़ा आगे जाना, okay, थोड़ा आगे जाने दो, क्लच छोड़ो, क्लच आराम से, यहाँ पर अभी, अभी क्लच पूरा दियो ना पहले, हाँ, एक्सीलेटर छोड़ दो, हाँ, क्लच पूरा नहीं दो, हाँ, ज्यादा हो गया, निकालो क्लच को, निकालो निकाला, okay, okay. जाने दो, जाने दो, जाने दो, थोड़ा थोड़ा प्रेस करो, एकदम ड्रॉप, थोड़ा सा बस बस उधर ही, नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, लॉक नहीं पकड़ो, लॉक नहीं पकड़ो, okay. बस स्टार्ट, क्लच 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 दबा के स्टार्ट, ठीक है, फिर लोड करो, अभी मैं लोड कर रही हूँ विद द क्लच, या हाँ विद द क्लच, पूरा नहीं छोड़ना, धीरे 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 धीरे, ये बहुत
बहुत मुश्किल है गाइस। बस पार्किंग ब्रेक, पार्किंग ब्रेक। ओके राइस पेट्रोल। शुड आई लीव द क्लच? हां राइस तो चालू है। हम हाफ क्लच करने वाले हैं। बिस्मिल्लाह। मेरे सामने छोटी गाड़ी है, थोड़ा सा वेट। ओके थर्ड गियर, तीसरा गियर, थर्ड गियर दे। ओके गो मूव। ओके गो 9 के पहले मैंने लगाया। ओके हाफ क्लच, क्लच को और थोड़ा सा प्रेस करो, थोड़ा सा प्रेस करो, एकदम पॉइंट, थोड़ा सा ज्यादा हुआ, बस गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। पार्किंग ब्रेक, गियर खाली, प्रेस क्लच, न्यूट्रल। ओके सीर सीर गियर, नो एक्सीलेटर, नो एक्सीलेटर, प्रेस क्लच, क्लच क्लच क्लच, या एंड दिस नाउ शुड आई रिलीज दिस वन, क्लच क्लच, या फुल डन। हां गियर, थर्ड गियर, या एंड देन आई एम गोना रिलीज दिस। तो No, break, 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 break. Parking break. Clutch release करो थोड़ा, वो पूरा release किया, stop, stop. Press, clutch press करो. Clutch पूरा press करो, start करो. ठीक है. थोड़ा थोड़ा निकालो clutch को. और थोड़ा. और थोड़ा, और थोड़ा। असाद बीडीसी आरके। बस पार्किंग ब्रेक निकाल, पार्किंग ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, जाओ स्पीड स्पीड स्पीड। तो ऐसे खत्म होता है हमारा आज का पहला क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आती है बारी उतरने की, सर हमारे लेने वाले वीडियो को। तो ऐसी खत्म होती है हमारी पहली क्लास, और माशाल्लाह सर कितने काइंड थे, कितने स्वीट थे, और काफी सारी चीजें अच्छे से गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली निजात जो आज की क्लास में थी, जो हमारा हाफ क्लच था, मैं ऑलमोस्ट सीख गई हूँ, है ना सर? तो सर ही आज मेरे कैमरामैन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आंसू सीरो सर, इट वाज रियली अमेजिंग क्लास सर, थैंक यू सो मच। मैं न्यू वाला मैम, थैंक यू।